नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश ब्रिथरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, जो कि 5 मिनट तक बोला जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कतिपय सदस्यों ने अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत समस्या बताई है। आपकी सभी बातों को नोट किया गया है। इस संबंध में हम संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर देंगे। जो काम परिधि में होगा और नियम अनुसार हो सकता है और जिसमें थोड़ी बहुत कठिनाई भी होगी, उन सारे काम को करेंगे, सभी का जवाब देंगे। कृपया अलग अलग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभापति जी, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब, गांव में पाला पड़ गया है और हमारी फसल नष्ट हो गई है, हम बहुत दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी बिल माफ़ कर देंगे तो इससे बड़ी राहत मिलेगी और संतोष होगा। अध्यक्ष महोदय, कल बताया गया था कि जितनी बिजली हम सिस्टम में डालते हैं और उतनी बिजली की बहाली नहीं करेंगे तो बिजली का ह्रास होना सरल बात है। हर वर्ष नियामक आयोग टैरिफ निर्धारण करता है, जिसका पूरा पूरा भार जनता को वहन करना पड़ता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें बिजली ज़्यादा मिल गई और संप्रेषण ह्रास के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। इसलिए आने वाले वर्षों में और कोई रास्ता नहीं बचता है। मजबूरी में भय उत्पादक बढ़ने लगता है। आप केवल बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से पारेषण और संप्रेषण ह्रास कम करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। संभवतः हर वर्ष भय उत्पादक को न्यूनतम करके बिजली की दर को कम किया जा सकता है। माननीय पूर्व मंत्री जी, जब आपकी सरकार थी तब आपके यहाँ उपकेंद्र बनाना बहुत ज़रूरी था। उस समय आपने सब स्टेशन नहीं बनाया, तब वहाँ ऐसा लगता था कि आज़ादी के वर्षों बाद भी गांव वालों को बिजली तो मिलती थी पर मीटर चलने के लिए बिजली अच्छी नहीं रहती थी। अब वहाँ सब स्टेशन बन गया है, इसलिए क्षेत्र में पूरी तरह से मोटर चल रही है। मैं सदन में एक बात रखना चाहता हूँ, पूंजी निवेश के माध्यम से विद्युत संचालन शक्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। महोदय, धीरे धीरे पूंजी निवेश शुरू हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तेजी के साथ पूंजी निवेश होगा। हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी जिन जिन समस्याओं का उल्लेख
किया है। अब उन उन समस्याओं का धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। मंत्री जी, आप पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं, बल्कि विशेष बात यह है कि गांव के ट्रांसफार्मर जल गए हैं। इस डिक्टेशन को आप ट्रांसलेट कीजिएगा और अपनी गलतियां कमेंट सेक्शन में बताइएगा।